नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त पंकज शर्मा हाजिर हूं आपके सामने आज एक अलग तरह का सेशन लेकर के। और आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं इम्पॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों इस क्लास में। आगे बढ़ेंगे उससे पहले बात करेंगे जो कोर्सेज यहाँ मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इंडियन एंड राजस्थान पॉलिटी, इंडियन एंड राजस्थान हिस्ट्री कल्चर, इंडिया एंड राजस्थान करंट अफेयर्स, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर सेशंस, टेस्ट सीरीज एंड मैनी मोर अदर थिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू। व्हाट इज एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, यहाँ आपको लाइव क्लासेस मिलती है, टेस्ट सीरीज और क्विजेस प्रोवाइड कराई जाती है, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं जहां आपके डाउट्स को दूर किया जाएगा और पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा विद द टीम ऑफ टॉप एडुकेटर्स ऑफ राजस्थान। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के क्या क्या प्रॉफिट्स हैं, एडुकेटर्स के द्वारा लाइव स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, एडुकेटर्स आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी कराते हैं, कहीं भी कभी भी अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी, वीकली क्वेश्चन आंसर्स कराए जाते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं जहां आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाती है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट राइट गाइडेंस में आपको तैयारी करवाई जाएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है दोस्तों, आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है और उसे इंस्टॉल करने के बाद अपनी प्रोफाइल के नीचे प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैनेज गोल्स आएंगे, मैनेज गोल्स में स्टेट पीएससी में आपको आरपीएससी को सेलेक्ट करना है और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में 24 महीने और 12 महीने में से कोई भी एक कोर्स ड्यूरेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल अभी अभी तैयारी शुरू करी है, तो आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं लेकिन अभी भी आपको अपने प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में आप एक रेफरल कोड यूज लेंगे PANKAJ9, पंकज 9, जिस पर आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, यानी 1 ईयर का कोर्स जो 7000 का है वो आपको 6300 में प्रोवाइड करा दिया जाता है, और जो 2 साल का 8400 का कोर्स है वो आपको मात्र 7560 रुपए में ही प्रोवाइड करा दिया जाता है। रेफरल कोड आपको यूज लेना है पंकज 9, जिस पर आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसे ज्वाइन कर लीजिए और इसके बाद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दोस्तों लाइक और शेयर करना वीडियो को नहीं भूलना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हमारा जो आज का सेशन है उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है जहां से आपको पक्का सवाल मिलने वाला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं वन बाय वन। तो ध्यान दीजिएगा, इन्हें साथ में नोट करते चलिएगा, आपको डेफिनेटली यहां से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहला तो हम बात करेंगे 1885 में जब कांग्रेस बनी, 28 दिसंबर 1885 वो तारीख थी जब कांग्रेस का निर्माण हुआ। कहां हुआ निर्माण, बंबई में निर्माण हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बंबई में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का पहला मीटिंग हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज रिटायर्ड सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टिव ह्यूम के द्वारा की गई थी दोस्तों। एक्चुअल में 1884 में ही कांग्रेस के नींव रख दी गई थी। कैसे, 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी, 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई थी, राइट।
उसी भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली मीटिंग AOU 28 दिसंबर 1885 को पूना में करने वाले थे। पॉइंट टू बी नोटेड, भारतीय राष्ट्रीय संघ जिसकी स्थापना AOU के द्वारा 1884 में की गई, उसकी पहली मीटिंग 28 दिसंबर 1885 को कहां करने वाले थे? पूना में करने वाले थे। तो आप बोलोगे सर मीटिंग तो पूना में होनी थी भारतीय राष्ट्रीय संघ की, आप हमें ये क्यों बता रहे हैं, हमें बात बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो भैया बात ऐसी है, जो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई 1884 में और पूना में पहली मीटिंग होने वाली थी, ये वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। दादाबाई नौरोजी ने कहा AOU को एक काम करो, इसका नाम बदल के कर दो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एलन ऑक्टेव ह्यूम ने यह बात मान ली और भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। क्लियर है? तो आप बोलेंगे सर समझ में आ गया, 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन कन्वर्ट्स इनटू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो मीटिंग तो पूना में थी, फिर बंबई में क्यों हुई? पूना में प्लेग फैला हुआ था, जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है, तो प्लेग फैला हुआ था इसलिए मीटिंग का स्थान परिवर्तित करके बंबई में कर दिया गया, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, 28 दिसंबर 1885 बंबई। तो यहां पे हम क्या देखेंगे, कांग्रेस के मैं महत्वपूर्ण अधिवेशनों की सूची आपको बनवाने की कोशिश करूंगा इस सेशन में, कोशिश करेंगे सारे हो जाएं, नहीं होंगे तो एक दूसरी क्लास और बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे ईयर, प्लेस जहां पे वो इंपॉर्टेंट सेशन हुआ, उसका अध्यक्ष कौन था और उस अधिवेशन की इंपॉर्टेंट बात क्या है। आई विल टेल यू द फोर मेजर थिंग्स अबाउट द सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। द फर्स्ट थिंग इज ईयर, द सेकेंड वन इज प्लेस इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, द थर्ड वन इज द चेयरमैन द प्रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर सेशन, एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट हैपेंड, व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैपेंड इन दैट पर्टिकुलर सेशन। क्लियर है? तो पहला सेशन है दिसंबर 1885 बंबई, अध्यक्ष कौन है? डब्ल्यू सी बैनर्जी का पूरा नाम याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। तो व्योमेश बख्शी एक बहुत बड़े क्या रहे हैं, जासूस, सुशांत सिंह राजपूत की मूवी भी आई थी उसके ऊपर, व्योमेश बख्शी। तो व्योमेश बख्शी से याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है भैया, पहला अधिवेशन है तो पहली चीज जीवन में हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो पहला अधिवेशन हो या वो जीवन का पहला, समझ जाइए आप लोग। ठीक है भैया, दूसरा चलते हैं, दिसंबर 1886 कलकत्ता, कौन है? दादा भाई नौरोजी। क्योंकि दादा भाई नौरोजी हैं जो बड़े सीनियर आदमी हैं, कांग्रेस में उनका बड़ा दबदबा है, तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो राजनीति के, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि दादा भाई नौरोजी ने कब कब अध्यक्षता करी। ठीक है, तो दिसंबर 1886 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस बात क्या है, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी है, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी है, राष्ट्रीय कांग्रेस व सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय कर दिया गया, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की एक पार्टी थी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, इसको किसमें मिला दिया, कांग्रेस में मिला दिया है। और इसकी इंपॉर्टेंट बात है, प्रथम पारसी अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों,
दो महत्वपूर्ण साथ साथ याद करते चलिए। दिसंबर 1885 बंबई, डब्ल्यूसी बैनर्जी, प्रथम अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, दिसंबर 1886 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय कर दिया गया और पहले पारसी अध्यक्ष भी इसकी इंपॉर्टेंस है। ओके, द नेक्स्ट वन, दिसंबर 1887 द प्लेस वॉज मद्रास एंड द प्रेसिडेंट वॉज बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी इंपॉर्टेंट क्या है? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ये सवाल बहुत पूछा जाता है दोस्तों। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है। और सर्वप्रथम इस सेशन में देशी भाषाओं में भाषण दिया गया, देशी भाषाओं में भाषण दिया गया। नेक्स्ट, दिसंबर 1888 इलाहाबाद जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष ठीक है, और इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का संविधान बनाया गया, कांग्रेस का संविधान बनाया गया। कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा, आपको यह सेशन कैसा लग रहा है। तो थर्ड और फोर्थ अधिवेशन जो इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, इस अधिवेशन में देशी भाषाओं में भाषण दिया गया। दिसंबर 1888 इलाहाबाद जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, पहली बार कांग्रेस का संविधान बनाया गया दोस्तों। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिसंबर 1890 कलकत्ता, ये सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत सीनियर लीडर थे, फिरोज शाह मेहता वो इसके अध्यक्ष थे, कलकत्ता 1890। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं हुआ था, बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि दिसंबर 1890 जो कलकत्ता अधिवेशन था उसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे। नेक्स्ट, दिसंबर 1891 वी आनंद चारलू वाई कांग्रेस के नाम में संवैधानिक तरीके से राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया और कांग्रेस का जो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन था उस संविधान को पारित कर दिया गया। कांग्रेस ने, हर पार्टी अपना एक संविधान रखती है, जैसे देश का संविधान होता है वैसे हर राजनीतिक पार्टी का एक संविधान होता है, एक नीति नियम और कायदे में वो पार्टी आगे बढ़ती है और उसका पालन उस पार्टी के हर सदस्य को करना पड़ता है। तो 1891 में वी आनंद चालू कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया और संविधान पारित कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, दिसंबर 1893 लाहौर, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा
सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित कराने की मांग की गई। भारत में आयोजित कराने की मांग की गई। तो दिसंबर 1893 लाहौर, दादा भाई नौरोजी, सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित कराने की मांग की गई है। क्लियर है? नेक्स्ट, दिसंबर 1896, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कलकत्ता, अध्यक्ष है रहीमतुल्ला सयानी, रहीमतुल्ला सयानी। इंपॉर्टेंस है वंदे मातरम गीत गाया गया पहली बार। वंदे मातरम, तो ये सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में वंदे मातरम गीत को पहली बार गाया गया। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्ला सयानी जिसके अध्यक्ष थे, उसमें पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम डायरेक्ट सीधे आ जाएंगे दिसंबर 1905 पर। ये था बनारस में, इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, इसकी इंपॉर्टेंस है वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। और स्वशासन को कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया, स्वशासन को कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया। दिसंबर 1905, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बनारस अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया और साथ ही साथ स्वशासन को कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया। इनके बारे में मैं कुछ और बातें बताऊंगा, लेकिन पहले आपको आगे के दो और अधिवेशन बताऊंगा। पहले दिसंबर 1906, द प्लेस वॉज कलकत्ता, चेयरपर्सन वॉज दादा भाई नौरोजी अगेन, स्वराज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग, स्वराज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग, और स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया, स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया। अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है सवाल, बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। 1907, सूरत, रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। इवेंट वॉज कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। दिसंबर 1905 बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ, जिसमें वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया और स्वशासन को कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया। इस समय 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो चुका था और उससे पहले ही 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। यहां पर नरम दल और गरम दल के बीच में थोड़ा सा विवाद पैदा हो गया,
नरम दल वाले कहते हैं कि बंगाल विभाजन का जो स्वदेशी आंदोलन हम कर रहे हैं, बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन किया जा रहा है उसे हमें सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहिए। लेकिन गरम दल कहते हैं कि नहीं, इसे हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाएंगे। यहां नरम दल और गरम दल के बीच में थोड़ा विवाद हो जाता है। लेकिन दिसंबर 1906 कलकत्ता अधिवेशन में, जिसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष हैं, यहां पर विवाद बढ़ता है। यहां पर गरम दल वाले कहते हैं कि तिलक को बनाइए या फिर लाला लाजपत राय को बनाइए, लेकिन नरम दल कहते हैं ना तिलक को बनाएंगे ना लाला लाजपत राय को बनाएंगे। विवाद खड़ा हो जाता है, तो नरम दल और गरम दल वाले तैयार हो जाते हैं, दादाभाई नौरोजी क्योंकि सीनियर लीडर थे तो दोनों को ही कोई प्रॉब्लम नहीं थी। गरम दल वाले कहते हैं कि नरम दल का अध्यक्ष नहीं बनने देंगे, नरम दल वाले कहते हैं गरम दल का अध्यक्ष नहीं बनने देंगे, तो दोनों दादाभाई नौरोजी के नाम पर सहमत हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी विवाद हुआ, वहां पे राष्ट्रव्यापी आंदोलन को लेके विवाद हुआ 1905 में, और 1906 में विवाद हुआ है कि तिलक को अध्यक्ष नहीं बनने दिया जा रहा है, और यहाँ पे स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कर लिया गया और स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बना दिया गया। 1907 में फिर वही विवाद होगा, तिलक को बनाने की बात होगी। 1907 का जो अधिवेशन था पहले नागपुर में होने वाला था, लेकिन उसको बदल के कर दिया गया सूरत के अंदर। ठीक है, तिलक को नहीं बनने देना चाहते थे, न लाला लाजपत राय को बनने देना चाहते थे। ठीक है, नरम दल वाले कहते हैं राज बिहारी घोष को बनाएंगे, गरम दल वाले कहते हैं नहीं तिलक या लाला लाजपत राय में से कोई बनेगा। फाइनली क्या होता है, गरम दल वाले बोलते हैं ठीक है भैया बना दो, तो राज बिहारी घोष फाइनली नरम दल की तरफ से अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन इस सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच में बड़ा गर्मा गर्मी हो जाती है दोस्तों, कुछ बातों को लेकर के विवाद हो जाता है, इस कारण से 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, पहला विभाजन कांग्रेस का 1907। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो ये वाला जो अधिवेशन था ना सूरत वाला, ये सक्सेसफुली हो नहीं पाया। अब क्या होगा देखो, दिसंबर 1908 मद्रास, अगेन कौन है अध्यक्ष, राज बिहारी घोष। ठीक है, क्या होगा, सूरत अधिवेशन स्थगित हो गया था, सूरत अधिवेशन स्थगित होने के कारण मद्रास में दोबारा कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया और राज बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाएगा। आई रिपीट, सूरत का विभाजन नरम दल और गरम दल के बीच में विवाद के कारण स्थगित हो गया था और 1908 में मद्रास में दोबारा से अधिवेशन बुलाया गया और राज बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 1909 लाहौर, कौन है, मदन मोहन मालवीय। कुछ इवेंट नहीं हुआ है इंपॉर्टेंट, बट मदन मोहन मालवीय एक बड़ी पर्सनालिटी थे, तो आपको ध्यान रहना चाहिए दिसंबर 1909 लाहौर अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट, दिसंबर 1911 कहां पर, कलकत्ता में, इंपॉर्टेंट अधिवेशन का अध्यक्ष तो थे विशन नारायण धर, विशन नारायण धर, तो ये कोई इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है धर साहब के बारे में, लेकिन क्योंकि राष्ट्रगान पहली बार गाया गया, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, अध्यक्षता करी थी विशन नारायण धर ने। नेक्स्ट आ जाइए सीधे इंपॉर्टेंट, दिसंबर 1916 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लखनऊ अधिवेशन, याद कर लीजिएगा अंबिका चरण मजूमदार को, अंबिका चरण मजूमदार को याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो गरम दल बिछड़ गया था 1907 में, तो गरम दल वाले वापिस आ जाएंगे, तो यहाँ पे गरम दल प्लस नरम दल के बीच में वापिस से भाईचारा हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। लखनऊ का सबसे इंपॉर्टेंट बात,
मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कभी सवाल पूछा जाए कि कांग्रेस ने पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो मुसलमानों को प्रदान की गई थी उसे कब स्वीकार किया था, उसे इसी लखनऊ समझौते के अंतर्गत स्वीकार किया गया था। सो दिसंबर 1916 लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार, दो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं, नरम दल और गरम दल के बीच में वापस से भाईचारा हो गया है, दोनों वापस से मिल गए हैं, समझौता हो गया है। और सबसे बड़ा समझौता मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ है, जिसे हम लखनऊ समझौते के नाम पर जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, दिसंबर 1917 कलकत्ता, इंपॉर्टेंट एनी बेसेंट अध्यक्ष थी भारत, यानी एनी बेसेंट। तो आप बोलोगे सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, बात क्लियर है। दिसंबर 1917 कलकत्ता एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। चलिए भैया आगे बढ़िए, बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट जो है वो पहली महिला अध्यक्ष है, विदेशी है लेकिन पहली महिला अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर 1919 दिल्ली, अध्यक्ष कौन है, मदन, एक मिनट, दिसंबर 1917 के बाद हम देखेंगे डायरेक्ट दिसंबर 1919, अमृतसर कौन है, मोतीलाल नेहरू, खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया इस अधिवेशन में। खिलाफत आंदोलन तो आप जानते ही हैं, खिलाफत आंदोलन और बाद में असहयोग आंदोलन शुरू होगा, खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने की बात की गई, खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया। दिसंबर 1919 अमृतसर, मोतीलाल नेहरू, खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, दिसंबर 1922, दिसंबर 1919 हो गया है हमारा, ठीक है, इससे पहले 1920 भी देखेंगे। दिसंबर 1920 नागपुर, अध्यक्ष हैं चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य, इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, कांग्रेस का नया संविधान बना है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और अहिंसक तरीके से स्वराज को पाने का लक्ष्य रखा है, अहिंसक तरीके से स्वराज को पाने का लक्ष्य रखा है। दिसंबर 1920 नागपुर, चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य, ठीक है। नेक्स्ट, दिसंबर 1922 गया अधिवेशन, अध्यक्ष हैं सी आर दास, दूसरी बार कांग्रेस का विभाजन होगा लेकिन बाद में बच जाएंगे, कांग्रेस से अलग होकर के स्वराज्य पार्टी की स्थापना करेंगे, लेकिन गांधी के प्रयासों से गांधी और दास के बीच में एक समझौता होगा जिसे गांधी दास समझौता के नाम से जाना जाता है, और स्वराज पार्टी को कांग्रेस के ही अंग के रूप में आगे लेकर के चला जाएगा, ठीक है। चलिए भैया इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, दिसंबर 1922 गया, सी आर दास, स्वराज पार्टी की स्थापना। दिसंबर 1924
बेलगाव कर्नाटका इंपॉर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए इसमें क्या हुआ था, गांधी जी छुआछूत विरोधी थे, छुआछूत पे विश्वास नहीं करते थे, भारत से छुआछूत जैसी समस्याओं को समाधान करना चाहते थे, तो अस्पृश्यता विरोधी प्रस्ताव पारित किया गया था। फोर बेलगांव कर्नाटका, मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट दिसंबर 1925 कानपुर, इंपॉर्टेंट है सरोजनी नायडू, क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, इससे पहले जो एनी बेसेंट बनी थी वो भारतीय महिला नहीं थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, क्लियर है। नेक्स्ट सीधे आ जाइए दिसंबर 1929, दिसंबर 1929 लाहौर, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हैं, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति। नेक्स्ट मार्च 1931 कराची, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी इरविन समझौते को इम्प्लीमेंट किया गया, अनुमोदित किया गया, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन एक्सेप्ट कर लिया गया, साथ ही साथ इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव, मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव व राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम की स्वीकृति दी गई। क्लियर है, मार्च नाइन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति, मार्च 1931 कराची, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी इरविन समझौते को अनुमोदित कर दिया गया, मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान कर दी गई दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में हम सीधे आएंगे अक्टूबर 1934, अक्टूबर 1934 क्यों, बंबई में हुआ था, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट तो नहीं हुआ, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, इसमें कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट अप्रैल 1936 लखनऊ, अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू, क्या हुआ है, समाजवाद को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया, समाजवाद को कांग्रेस का लक्ष्य
घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट 1936 में ही एक दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1936 फैजपुर, कहां है फैजपुर, महाराष्ट्र में। अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू। प्रथम ग्रामीण अधिवेशन, ये जो था प्रथम ग्रामीण अधिवेशन, क्लियर। अक्टूबर 1934 बंबई राजेंद्र प्रसाद, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। अप्रैल 1936 लखनऊ, जवाहरलाल नेहरू, समाजवाद को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। उसके बाद में दिसंबर 1936 फैजपुर महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू। प्रथम ग्रामीण अधिवेशन पूछा जा सकता है सवाल, प्रथम ग्रामीण अधिवेशन। नेक्स्ट फरवरी 1938, इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिपुरा। फरवरी 1938, रुकिए साफ साफ लिखने दीजिए, हरिपुरा कौन है अध्यक्ष, सुभाष चंद्र बोस। इसकी इंपॉर्टेंट बात है, देसी रियासतों के प्रति कांग्रेस की नीति की घोषणा की गई, कांग्रेस की नीति की घोषणा की गई। ठीक है, नेक्स्ट मार्च 1939 त्रिपुरी संकट कहते हैं इसको, मध्य प्रदेश। ठीक है, हरिपुरा कहां है, गुजरात में, हरिपुरा गुजरात में। इसमें भी अध्यक्ष तो सुभाष चंद्र बोस ही बने, लेकिन गांधी नाराज हो गए थे, इस कारण से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर बाकी बचे समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष रहे। तो फरवरी 1938 हरिपुरा गुजरात में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, इसमें देसी रियासतों के प्रति कांग्रेस की नीति की घोषणा की गई। मार्च 1939 त्रिपुरी मध्य प्रदेश में सुभाष चंद्र बोस दोबारा बने, लेकिन क्योंकि गांधी अपने किसी प्रेजेंटेटिव को बनाना चाहते थे लेकिन वो नहीं बन पाया, गांधी सुभाष चंद्र बोस से नाराज हो गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देकर फिर चले गए वो देश छोड़ के, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद में उन्होंने बाकी का जो टेन्योर था उसे कंप्लीट किया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बस तीन और इंपॉर्टेंट है, एक है मार्च 1940 रामगढ़ का नाम आपने शोले मूवी में सुना होगा, रामगढ़। कौन है अध्यक्ष, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, इसमें क्या क्या हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो गांधी द्वारा शुरू किए गए थे 1940 में, उसका प्रस्ताव पारित कर दिया गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। ठीक है, इसके अंदर तो ये इंपॉर्टेंट है। अब 1940 से लेकर 1946 तक, याद रखिएगा 1940 से 1946 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 1946 जुलाई 1946 से नवंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनेंगे कुछ महीनों के लिए। इसलिए सवाल पूछा जाता है कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहे, मार्च 1940 से लेकर 1946 तक लगभग 6 सालों तक मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद जुलाई 1946 से नवंबर 1946 कुछ महीनों के लिए ही वो हटे हैं और जवाहरलाल नेहरू बने हैं।
ठीक है, फिर तो आजादी मिल ही गई थी। तो नवंबर 1946 मेरठ, जे बी कृपलानी, ये भी सवाल पूछा जाता है भैया, भारत की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जे बी कृपलानी, आजादी के समय अध्यक्ष, आजादी के समय अध्यक्ष। और दिसंबर 1948 जयपुर, बिल्कुल जयपुर आखिरी कांग्रेस का आजादी के तुरंत बाद वाला अधिवेशन, आजादी के तुरंत बाद वाला अधिवेशन कहां हुआ था? जयपुर में हुआ था। कौन थे अध्यक्ष? पट्टाभी सीतारमैया। तो भैया मार्च 1940 से 1946 तक तो अब्दुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। जुलाई 1946 से नवंबर 1946 कुछ 3 महीनों के लिए जवाहरलाल नेहरू, आजादी के समय नवंबर 1946 मेरठ अधिवेशन में जे बी कृपलानी अध्यक्ष बने। और दूसरी बात, जे बी कृपलानी है ये बी। और आजादी के बाद जो पहला अधिवेशन हुआ दिसंबर 1948 में जयपुर में, पट्टाभी सीतारमैया उसके अध्यक्ष बने। बात क्लियर है क्या? तो ये है कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, जो वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस के होते थे। पॉइंट टू बी नोटेड, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन है ये। एक क्लास और लगाऊंगा जिसमें कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के बारे में बताऊंगा। ये देखा आपने, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन है, एनुअल। अभी भी कांग्रेस का वार्षिक एक अधिवेशन होता है जिसमें पूरी कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल होते हैं। तो ये मैंने आपको 1885 से 1948 तक के सारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में जानकारी प्रदान कर दी है। तो आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी 2 दिन बचे हैं साल के, अगले साल से अपनी तैयारी को मजबूत करो। रेफरल कोड पंकज9 यूज करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले डालो दोस्तों, ठीक है? गुड लक, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।